ये देखिए है ना कितने टेस्टी हमारे गार्लिक पोटैटो बाइट्स। इसकी आवाज सुनिए, एक बार और फिर से सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोर में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। ये बाइट्स बच्चों से लेके बड़ों तक की सबकी फेवरेट होती है। वैसे तो ये मार्केट में आराम से मिल जाती है पैकेट में, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल घर में इजी तरीके से कैसे इसे बनाएं इसकी रेसिपी बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि आप इसे 15 दिन तक फ्रीजर में कैसे स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब आपका कुछ खाने का मन करे तब इसे निकालिए और इसे फ्राई करिए। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको एवरीडे मिलती रहेगी और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। गार्लिक पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए मैंने 5 से 6 बॉयल आलू ले लिए हैं। इनको मैंने कद्दूकस कर लिया था इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले ग्रेटर का यूज किया है, बड़े वाले का नहीं यूज किया, इससे बहुत मोटे मोटे रेसे निकलते हैं। इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें एक एक करके सामान डालेंगे जो यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लावर, जिसको मारो रोड बोलते हैं, वो हम इसमें डालेंगे ताकि जो हमारे बाइट्स हैं वो फटे नहीं वाल में जाके और साथ में बहुत ही क्रिस्पी बने। तो मैं यहाँ पे इसके 4 चम्मच डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे इसके 4 चम्मच डाल दिए हैं, इतने इनफ है। साथ में डाल देंगे गार्लिक पोटैटो बाइट्स के लिए गार्लिक। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को 5 से 6 कली ली है, उसको बारीक बारीक चॉप कर ली है, वो डाल देंगे। अगर आप नहीं खाते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है तीखेपन के लिए, ये भी डाल देंगे। और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली पाउडर डाल सकते हैं, अगर वो नहीं डालना चाहते तो इस तरह से 5 से 6 लाल मिर्च लीजिए और इनको मिक्सी में प्लस पॉइंट पे चला लीजिए, आपके चिली फ्लेक्स तैयार हो जाएंगे, वो डाल देंगे। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए, 1 टेबल स्पून लिया मैंने पिज्जा सीजनिंग। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे भी कुछ मार्केट स्टाइल चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स का टेस्ट आएगा। आप डालना चाहें डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब, जिसको मैंने सिंपली 5 से 6 ब्रेड को मिक्सी में चला लिया था, इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। आप इस तरह से ब्रेड क्रम बना सकते हैं। अब मैं इनको इस बाइट्स में डालूंगी, इससे हमारे बाइट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो इससे ऑयल भी कम सोखेगा, बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रंची रहेंगे और बहुत देर तक ये बहुत क्रिस्पी रहते हैं। तो मैं इसको डाल दूंगी 4 से 5 चम्मच। तो यहाँ पे मैं एक एक करके 5 चम्मच डाल दूंगी और सबसे लास्ट में डाल देंगे बटर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन इससे बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रीमी टेस्ट आता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी बटर के साथ में, और एक डो बना लेंगे हम। तो इस तरह से मिलाते हुए देखिए मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अगर आपका डो थोड़ा सा लूज है तो इसमें ब्रेड क्रम्ब और डाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से टेक्स्चर चाहिए हमें। तो अब हम इसे छोटे छोटे रोल बनाएंगे अपने पोटैटो बाइट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है, हाथों में हल्का तेल लगा दिया है, थोड़ा सा इसको रोल कर देंगे और साइज के हिसाब से इसको हम डिवाइड कर देंगे ताकि इससे हम रोल बना सके। अब मैं एक रोल ले लेती हूँ, उसको हम लंबे लंबे साइज में इस तरह से हाथों की हेल्प से रोल करके एक लंबा सा स्टिक बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक स्टिक बना के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम सारे बना लेंगे। तो एक और ले लेते हैं, उसको भी इसी साइज में हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही मैंने देखिए सारे रोल बना के तैयार कर लिए, सबके साइज एक जैसे हैं और थिकनेस भी लगभग एक ही जैसी है। अब हम इसको फ्रोजन करेंगे। तो फ्रोजन करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल रैप ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे पॉलिथीन रैप भी ले सकते हैं। और इसको हम इस तरह से रोल करते हुए इसमें कवर कर देंगे। ऐसे कवर करने के बाद में मैं फॉइल निकाल दूंगी एक्स्ट्रा। अब इस फॉइल रैप को इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जब आप इसे फ्रीजर में रखें तो बिल्कुल भी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और जैसे कैंडी होती है उस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। और इस रैप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस रैप के साथ में इस पोटैटो बाइट्स को 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खराब होते हैं। और आपके घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो आपको किचन में ज़्यादातर खड़े होने की जरूरत नहीं है, इस तरह से
रोल को बना के तैयार कर लीजिए पहले से। तो देखिए मैंने तीनों रोल कवर करके रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्रीजर में 3 से 4 घंटे तक के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, और जब ये सेट हो जाएंगे तब हम इनको कट करेंगे। तो इस तरह से मैं तीनों रोल को फ्रीजर में रख दूंगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं सब कितने अच्छे से सेट हो गए हैं और जितना भी मॉइस्चर था सब इस कवर के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको जितने रोल यूज़ करने हैं आप उतने ही खोलिएगा, और जितने नहीं खोलने हैं आप उनको फ्रीजर में रख दीजिए स्टोर करके। 15 दिन तक के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और जब मन चाहे आप इसको निकालिए और इसको फ्राई कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। जैसे मार्केट में हमको मिलते हैं फ्रोजन, बिल्कुल वैसे ही बाइट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम सारे रोल्स को ओपन कर देंगे। तो देखिए मैं सारे रोल्स ओपन कर दिए हैं, सब अच्छे से सेट हो गए हैं। अब एक एक करके हम इनको बाइट्स में कट करेंगे। तो जितनी थिकनेस चाहिए आपको पोटैटो बाइट्स की उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए, और ये बहुत आराम से कट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे बाइट्स को कट कर लूंगी। तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ सभी को। तो देखिए मैंने सारे रोल्स को कट कर लिया है, और देखिए कितने परफेक्ट साइज के हमारे बाइट्स कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए पहले हम कढ़ाई में तेल गरमा लेते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और एक एक करके हम अपने बाइट्स को इसमें डाल देंगे। और तेल को बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा, लो टू मीडियम ही पे रखिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी मैंने एक रोल डाला है, अब इनको हम धीमी धीमी आंच पे फ्राई होने देंगे। और जब ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो कलछी की हेल्प से हम इनको हल्का सा हिला देंगे ताकि अगर ये कहीं से चिपके हो तो ये निकल जाए। बस हल्का सा हिलाने के बाद में हम इनको फिर से सेकने के लिए छोड़ देते हैं, और इनको सेकने में बहुत टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए सारे मैंने इनको फ्राई कर लिया, और कितना अच्छा कलर आया है, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है इसमें। इस तरह से मैंने देखिए एक बार में कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिए हैं इसको। अब बचे हुए रोल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे, और इनको भी हमें लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। और एक रोल मैंने और डाल दिया है, अब इनको भी फ्राई होने देंगे, और हल्का सा फ्राई जब हो जाएंगे तो फिर से इनको हल्का सा चला देंगे, और इनको भी गोल्डन फ्राई कर लेना है हमको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे ऑयल से, और कितना अच्छा कलर आया इन पे। और ये देखिए हमारे पोटैटो बाइट्स बिल्कुल बनके रेडी हो गए हैं, और देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। यकीन मानिए इतने टेस्टी बने कि जब इसे बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, बनाने में बहुत इजी, और आप इसे 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अब इसका क्रंच भी बताऊँगी कितने क्रंची बने हैं। ये देखिए है ना क्रिस्पी और क्रंची, और बाहर से जितने क्रिस्पी अंदर से उतने सॉफ्ट। और इस तरह से आप भी अपने घर में इस तरह से गार्लिक पोटैटो बाइट्स को बनाइए और स्टोर भी कर लीजिए। और आपके घर में छोटी सी बर्थडे पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कोई किटी पार्टी हो, तो आप किचन में ज़्यादा वेस्ट मत करिए टाइम, और सब अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस गार्लिक पोटैटो बाइट्स को एंजॉय करिए। आई होप आपको मेरी गार्लिक पोटैटो बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।